अल्लाम अज़ीज़ तालबिल्मी के अहमद आपकी ख़िदमत में हाजिर है एक नए अनवान के साथ जो एक तसलसल की कड़ी है हमारे पिछले वान के साथ जिसमें हम बच्चों के पनपने के और बड़े होने के नज़रियात को देख रहे हैं आज हम दो और नज़रियात के बारे में बात करेंगे जिनका गहरा ताल्लुक बायोलॉजी और एवोलूशन के साथ है आप जानते हैं कि हमने जब शुरू केनवाना आ, बच्चों की परवरिश के ज़मन में और उनके इरता के ज़मन के बारे में किए थे उसमें हमने इस बात का आ, इस, इस बात पर ज़ोर दिया था कि, आ, आ, कि बच्चा जो है जब बढ़ता है तो उसके ऊपर कौन कौन से असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं क्या माहौल का असर ज़्यादा होता है या उसकी अपनी ذاتی विरासत का ज़्यादा असर होता है और आ, हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि दोनों का मिल बच्चे की ارتقاء के ऊपर असर जो है वो होता है बावजूद इसके कि हमने ये ये फैसला कर लिया है कि ये दोनों अनासर जो हैं या ये दोनों फैक्टर्स जो हैं मिलकर बच्चे की ग्रोथ को को आगे बढ़ाते हैं या उसमें मुआवन साबित होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे नज़रियात हैं जिनका ज़ोर या रुख जो है वो एक तरफ रहा है एटलीस्ट तारीखी तौर पर रहा है तो इसी तारीखी पस मंज़र में आज हम दो नए नज़रियात की तरफ देखेंगे जिनका ताल्लुक़ इर्तका के नजरिए के साथ जो डारवनियन अर्तका का नज़रिया है उसके साथ रहा है और हम देखेंगे कि यह इर्तिका का नज़रिया जो जो बायोलॉजी से हमने मुस्तार लिया है किस तरह से बच्चे की नशो और इर्तका में फायदेमंद साबित होती है बात तो आज के लेक्चर का एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन से दो नजरिए हैं और फिर इसके बारे में ज़रा सी लंबी बात करते हैं पहले हम देखेंगे इथोलॉजी इथोलोजी या कंपेरिटिव साइकोलॉजी तकबली नफसियात जो है जिसके अंदर हम मुख्तलि जानदारों की स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं एक ऐसी फील्ड है एक ऐसी साइंस है जो कि यूरोप में जर्मनी में ख़ास कर जिसकी दाग बेल डाली गई और इस इसको कॉन्ड लोरेन्ेंस ने और निकोलसटिनबर्ग ने जो एक स्कैंडवियन साइंटस्ट थे जिन्होंने आगे बढ़ाया वो अपना कुछ ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने हंग्लान में भी बसर किया इसलिए उनकी शहरीत जो है वो दोनों मुल्कों में मौजूद है उसके साथ साथ और बहुत सारे आ, माहरीन ने इस फील्ड में काम किया बहुत ज़्यादा काम किया और ये बुनियादी तौर पे बायोलॉजिस्ट थे लेकिन इन्होंने अपनी एक नई फील्ड दरियाफ़त की जिसको एथोलॉजी कहते हैं हम इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये फील्ड हमको क्या बताती है बच्चे की नश्वनुमा के ज़मन में फिर हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी थीरी के हिसाब से एवोल्यूशनरी थीरी जैसे आप जानते हैं या नज़रिया अरतका जो जो डारविन ने हमें दिया था कि इंसान जो है वो नस्ल दर नस्ल और स्पीशीज़ दर स्पीशीज़ तब्दील होता होता अपने इस मकाम पर है और इसके इंसान का ताल्लुक जो है वो जानवरों के साथ एक सिलसिले कड़ी के अंदर बधा हुआ है और ये ये नज़रिया हमें क्या देता है तो आज के सवालात जो ज़रूरी अहम सवालात हैं उनकी तरफ एक बात तो किए लेते हैं पहला सवाल ये है कि हमको जो इथोलॉजिकल प्रस्पेक्टिव है या इथोलॉजी जो है वो क्या सबक सिखाती है कि हम कॉम्प्रीहसिवली अंडरस्टैंड कर सकें बच्चे की पनपने को या बढ़ने को या इरतका को एक दूसरा हम किस तरह से इथोलॉजिकल थियरी को एवोल्यूशनरी थीरी के साथ मिला सकते तो ये दो सवाल अब अपने जहन में रखिएगा तो इस बात को फिर हम आगे बढ़ा के ले कर चलेंगे आ, जैसे मैंने पहले कहा इथोलॉजी जो है वो एक फील्ड है जिसकी बुनियाद जो है वो यूरोप में हुई और बेशुमार माहन बायोलॉजी के और और दीगर फील्ड्स के इस फील्ड में दाखिल हुए और उन्होंने दूर तक इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि जानवर जो हैं या उनका किरदार जो है या उनका बिहेवियर जो, जो है वो किस तरह से वजूद में आता है और उसके क्या मुहरक हैं और किस तरह से उसमें तब्दीली पैदा होती है ये फील जो थी ये 20वीं सदी के निसफ में उजागर हुई और इसमें बहुत सारा काम हुआ और फिर 1970 में तीन अशास को उनके काम पर नोबेल प्राइज़ भी मिला जिसमें से कॉन्ड लॉरेंस जो है एक शख्स थे साथ उनके निकलस टनबर्गन भी थे जिनको ये इनाम नोबेल प्राइज जो थी वो मिली ये एक फील्ड है जिसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि किसी भी जानदार को चाहे वो बंदर हो या बतख हो या इंसान हो कोई भी हो उसको एक मॉडल सिस्टम तसवर किया जाता है और उसके पीछे ये जांचा जाता है या ये महारक मौजूद होता है तहकीक करने वाले का कि हर जानदार जो है अपने माहौल के साथ एक मुताबिकत जो है वो पैदा कर रहा है और इस मुताबिकत से उसके ज़िंदा रहने का इम्कान जो है वो बढ़ जाता है यानी अगर कोई भी जानवर होगा और वो अपने माहौल के साथ मुताबिकत पैदा कर लेगा तो उसके चांसेस उसके ज़िंदा रहने के और अपनी नस्ल की अफजाइश के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे ये ख्याल जो है दरअसल इर्तका के नज़रिए से निकलता है डारविन का जो इर्तका का नज़रिया है वो हमको ये इस बात का सबक देता है कि तमाम जानवर जो हैं वो इस 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 कोशिश में मसरूफ़ हैं कि वो किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर अपने माहौल के साथ मुताबिक कर लें ताकि उनकी उनके ज़िंदा रहने का इम्कान बढ़ जाए ना सिर्फ उनकी अपनी जतीी ज़िंदगी बढ़ जाएगी बल्कि उनकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी इस वजह से बढ़ जाएगी इस एथोलॉजी के मजमून में या इसलोजी के डिसिप्लिन में एक बात जो बड़ी वाज तौर पर नजर आती है और मैं समझता हूं इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो है जबिलत के ऊपर काम बहुत सारा काम जो है वो जानवरों की जबिलत पर हुआ ना सिर्फ ये काम एथोलॉजिस्ट्स ने बायोलॉजिस्ट्स ने किया बल्कि बहुत सारा काम बीसवीं सदी के शुरू में नफसियात दानों ने भी इंसानी जबिलत के ऊपर किया वो क्योंकि अब नफसियात दान जो हैं वो कदरे उस उन जबिलतों के बारे में जो खासकर सोशल साइकोलॉजिस्ट जैसे मैकडूगल थे उनसे हट कर उनका नज़रिया जो है वो बदल गया है और अब वो ज़्यादा इथोलॉजिस्ट का जो रवैया है जबिलत के बारे में उस उसके ऊपर ज़्यादा इतफ़ाक़ करते हैं और समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये ज़्यादा बेहतर डेटा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है इस कॉन्सेप्ट की पेश करते हैं तो हम इसी इ, इसी जबिलत की के के, के बिहेवियर को या इस इंस्टिंग्टस्टिंगट बिहेवियर instinct, को पस मंज़र में रख कर इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो है ये इंसान के बिहेवियर में किस तरह से मौजूद है और फिर ये किस तरह से बच्चे की परवरिश या बच्चे की नशो नुमा या उसके अरत में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है कम अज़ कम नज़रियाती तौर पर हमको कुछ मसाइल के इसके जवाब में ये हमारे पास कुछ जवाब पेश करता है जो कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और, और बहुत सारे नफसियात नानों ने इसको बुनियाद बनाकर अपनी नफसियाती नज़रियात में इस्तेमाल किया और उससे खातर खा नतज निकाले और वो नज़रियात जो थे वो हमारे अब बीच अब मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तीन चार और इस तरह से नफसियाती नज़रियात जो बच्चों की के प्रवान चढ़ने के बारे में हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे जबिलत क्या है इंस्टिंगटिव बिहेवियर जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि जानवर जो हैं उनमें एक खास किस्म की जबिलत मौजूद होती जिसकी वजह से वो कुछ काम जो हैं वो करते हैं मसला परिंदों को आपने देखा होगा कि वो एक मुल्क के हिस्से से उड़ या एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं अक्सर परिंदे जो हैं मसला एक ख़ास किस्म के बगले जो हैं वो जब सर्दी आ जाती है तो सर्दी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के शुमाली इलाके हैं वहाँ पर वो रहते हैं तो वो वहाँ पर आ, वो वो सर्दी की वजह से सर्दी बर्दाश्त नहीं करते तो वो उड़कर पाकिस्तान के जनूबी हिस्सों में पहुँच जाते हैं जहाँ पर कदरें कम ठंड होती है तो वहाँ पर उनका गुज़र आसान होता है ना सिर्फ़ उनकी आ, आ, उनके लिए ट्परेचर और इन्वायरमेंट को रेगोलेट करना आसान होता है बल्कि उनको खाने पीने के मौाक़े भी जो है वो ज़्यादा मिल जाते हैं मसला बहुत सारे बगले ऐसे जो हैं हमारी मंछर लेक के ऊपर जाकर झील के ऊपर जा कर बैठ जाते हैं और वहाँ जाकर मछलियाँ वगैरह खाते हैं ताकि वो आ, सर्दियों को गुजार लें और फिर जब सर्दियाँ गुजर जाती तो वह वापस उड़ के चले जाते ये क्या वजह है कि सीज़न के, के अंदर एक ख़ास वक्त पर ये बगले जो हैं ये उड़ कर एक शुमाल के इलाके से जनूब के इलाके में चले जाएं और फिर जब गर्मियां आ जाएं तो वहाँ पे भी गर्मी बर्दाश्त ना हो तो वापस उड़ के शुमाली इलाक़ों में चले जाएं तो ये नकलोह हमल जो है ये जो जानवरों का चलता रहता है ये उनको कौन बताता है तो इथोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि दिमाग के अंदर कुदरत ने पहले से ही सर्कट्स जो हैं वह तैयार किए हुए एक प्रोग्राम है जो कि दिमाग के अंदर कायम है जैसे ही माहौल में वाकियात तब्दील होते हैं ये जानदार जो हैं तैयार हो जाते हैं तब्दीली के लिए और जब वो उस तब्दीली को पूरा कर लेते हैं तो फिर जब उस माहौल में तब्दीली पैदा होनी शुरू होती है तो एक एक बार फिर असर वो उस तब्दीली को लाते हुए वापस अपनी पुराने माहौल में चले जाते हैं और ये नकलो हम नकलोह हमल का जो सिलसिला है ये सीजनस के अंदर चलता चला जाता है इसी तरह बेशुमार और वाकते हैं अगर अपनी आप स्लाइड को देखें मैंने ये कुछ मिसालें जो हैं वेस्टर्न किताबों से इकट्ठी की हैं और यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रही हैं उनमें से एक मिसाल जो है वो एक उकाब की एक शाहन की है जो एक बहुत ज़बरदस्त घोंसला जो है वो बना रहा है अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो कोई भी उकाब या कोई भी शाहन जो है जब वो अपनी बलूगत को पहुंचता है तो इस काबिल हो जाता है कि वो खुद से घोंसला जो है वो तैयार करे आ, ये घोंसला जो है बहुत बड़ा और बड़ा अलेबरेट किस्म का घोंसला होता है अमूमन चट्टानों पे और और ऊंची ऊंची जगहों पे ये घोंसला जो है वो तैयार किया जाता है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ये घोंसला बनाना सीखता किससे है यानी अगर किसी ने घर बनाना हो किसी बच्चे ने बड़े ने और तो मसल मैंने घर बनाना हो तो मैं कहूँगा कि मुझे यार सिखा दो या बता दो कोई आर्किटेक्ट वगैरह मिला दो ताकि मैं उसको कहूँ कि भाई नक्शा यूँ है ये और कैसे बनेगा और क्या वो मेरी मदद को कोई आगा वो मुझे सिखाएगा कि कैसे बनाया जाए लेकिन जानवरों को कुदरती तौर पे पता होता है कि घोंसला जो है वो कैसे बनाना है तो ये ये प्रोग्राम जो उनके जहन में पहले से मौजूद होता है वो दरख्तों की शाखें इकट्ठी करके इस घोंसले को तरतीब देने में मशगूल हो जाते हैं और मशगूल होने के बाद उसको आ, बना भी लेते तो ये कौन उनको सिखाता है ये आ, कोई भी नहीं सिखाता बल्कि ये प्रोग्राम उनके जहन में या उनके दिमाग में पहले से मौजूद होता है और जबिलत की वजह से अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से ये अमल वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं या कर लेते हैं तो बेशुमार माहरीन ने ये सोचना शुरू किया कि आखिरकार वो कौन से ऐसे अनासर हैं या वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनके अंदर ये जबिली अमल जो है वो जानवरों से सरजद हो जाता है और अमूमन जानवरों को इस अमल को सरजद करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है वो पेश नहीं आती वो बड़ी फ्लूंटली इस, 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 इस प्रोसेस में से गुजर जाती है तो चार नुक्ते खुल कर सामने आए खासकर निकोलस्टिन बर्गन जो बड़े मशहूर ज़माना इथोलॉजी के माहिर थे उन्होंने बेशुमार तजर्बा किए और ये ये बताया कि ये जो ये जो जबिलत है ये किस तरह से चार नुकतों पर मुश्तमल है उन्होंने अपने तजर्बात में ग्रे लैगगीज़ है ख़ास किस्म की बत्तख है जिसको इस इस्तेमाल किया ये ये ग्रे लैगगीज़ काफ़ी बड़ी होती है और और यूरोप में और कैनाडा में बेशुमार पाई जाती है तो उन्होंने अपने तजर्बा से ये ये, ये जाहिर किया कि ये जो प्रोग्राम है ये जो बिहेवियर है जो कि उस जानदार के जहन में महफूज है उसका कंट्रोल जो है जीनियाती है जेनेटिक है यानी हर जानवर की जीन्स के अंदर वो प्रोग्राम पहले से लिखा जा चुका है जैसे ही बतख का छोटा सा बच्चा डकलिंग जो है वो अंडे से बाहर आता है तो उसके अंदर वो प्रोग्राम जो है उसके ब्रेन के अंदर उसके दिमाग के अंदर वो प्रोग्राम मौजूद होता है वो आते सारी निकलते सारी अगर आप उसके पानी के छोटे से चु बच्चे के अंदर डाल दें तो वो तैरना शुरू कर देता उसको कोई नहीं सिखाता तैरना यानी हम इंसान का बच्चा लें तो ज़ाहिर है उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है तैरने के लिए वो खुद से तैर नहीं सकता तो जो का बच्चा है वो पैदा होते सारी उसको कर लेता है तो इसका मतलब है यकीन कि उसके दिमाग के अंदर ऐसा सर्किट मौजूद है ऐसा प्रोग्राम मौजूद है जो उसको तैराकी के ऊपर फौरन तैयार करके उसको मदद करता है कि वो पानी के अंदर स्वयं कर सके फिर ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि अगर इसको आप चला दें किसी तौर से इसको हरकत में यानी अगर आप दिमाग के किसी तरह से दिमाग के अंदर पहुंच के इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट एक्टिवेट कर दें तो वो अमल जो है वो चल पड़ेगा और इसमें किसी किस्म की कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं होगी तो ये अजीब सी बात है यानी अगर आप गौर करें कि बतख जो है वो अपने अंडों पर बैठती और सेती है कुछ मदत के लिए तकरीबन तीन हफ़्तों के लिए और उसमें से फिर चूजे जो हैं वो बरामद होते हैं लेकिन कभी कभार ऐसे होता है गलती से या कि किसी हादसे की वजह से कि कोई अंडा जो है लुढ़क के वो घोंसले से बाहर निकल जाता है तो जो आ, अ, मदर गूज है जो जो मामा डकलिंग लेंगे माँ माँ डक है वो अपनी चोंच के जरिए से उस अंडे को वापस घोंसले के अंदर ले आती है अच्छा ठीक है ज़ाहिर वो वो अंडा जो है वो ज़ाया हो जाएगा अगर अगर वो बाहर पड़ा रहा क्योंकि उसको एक खास किस्म हिद्द की हिद्दत की जरूरत है वो इंक्यूबेशन के पीरियड में से गुजर रहा है जिसमें से चूजे ने निकलना है लेकिन अजीब सी बात यह है और ये निकोलस निकोलसटिनबर्गन ने हमें तजर्बे करके दिखाए कि अगर उस बत्तख के पास आप कोई अंडे से मिलता जुलता ऑब्जेक्ट रख दें तो हैरान हैरानकन तौर पर मदर डक जो है वो उस ऑब्जेक्ट को भी अपने घोंसले में ले आती तो तो निकोलस्टिन बर्गर ने क्या किया कि अंडे से मिलता जुलता एक छोटा सा पत्थर जो था उसके पास रख दिया तो मदर गूस ने वो पत्थर भी अपने घोंसले में ले और उसको सेना शुरू कर दी इसका मतलब है कि वो इस चीज के ऊपर जोर नहीं दे रही कि जो चीज मौजूद है उसको मैं देख लू आया वो अंडा ही है कि नहीं तो फीडबैक जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी चीज जो है वो इंस्टिंक्टिवली ड्राइव करके जानवर जो है अपने घोंसले में ले आता है हत्या के टिनबर्गन जो थे उन्होंने एक वो क्यूब लिया है प्लास्टिक की सफेद रंग की और वो उन्होंने लाके मामा डक के सामने जो है वो रख दी और मामा डक ने उसको अपनी चोंच से खींच कर अपने घोंसले के अंदर कर लिया और उनको सीने लगी सो इसका मतलब है कि कोई फर्क ऐस पड़ता नहीं है उनको इसके साथ साथ निकोलस्टन निकुलस्टनबर्गन ने तजर्बात और बहुत सारे किए जिसके अंदर ये शो किया कि परिंदे जो हैं एक परिंदा है जिसे हम कार्डिनल कहते हैं लाल रंग का परिंदा होता है तकरीबन हमारी मैना के बराबर होता है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर उसमें एक तस्वीर जो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो निकोलस स्टिन ने खुद खींची थी वो ये है कि ये परिंदा कार्डिनल जो है मछलियों को खाना खिला रहा है हुआ ऐसे कि जिस वक्त ये कार्डिनल माँ इसके चूजे थे घोंसले के अंदर वो हवा की वजह से घोंसला बिखर गया और वो सारे चूजे जो थे वो ज़मीन पर गिर बर्बाद हो गए और मर गए लेकिन चूंकि इस इस परिंदे के अंदर माँ की वो जबिलत मौजूद थी और वो प्रोग्राम चल रहा था तो इसने क्या किया कि इसने गंडोए पकड़ के एक छोटे से पौंड के करीब मछलियों को जाकर वो गंडोए खिलाने शुरू कर दिए तो जब गौर से निकोलस स्टनबर्गर ने देखा कि ऐसा ये क्यों कर रही है हालांकि वो जानती है कि ये उसके अपने बच्चे नहीं है तो मछलियां हैं तो उसको ये पता चला कि हर छोटा चूजा जो घोंसले में बैठा होता है और अपना मुंह खोलता है जिसको हम गेपिंग रिस्पॉन्स कहते हैं उस गेपिंग रिस्पॉन्स की वजह से मां जो है वो अपने इंस्टिंग या अपनी जबिलत की वजह से मजबूर है कि वो जाकर उसके अंदर गंडोया जो है वो डाल दे या खाने की कोई चीज उस बच्चे को दे जब उसने मछलियों को मुंह खोलते देखा पौंड के करीब तो उसको वही बच्चे जो थे वो एक तरह से उसको मौका मिल गया कि ये तो वही रिस्पॉन्स है तो उसने उन मछलियों को फीड करना शुरू कर दिया इसमें कोई तरस खाने वाली सूरत नहीं है यानी ये कोई कोई मदर्स पिटी नहीं है कि वो जो माँ है वो जाकर मछलियों को खाना खिला रही है और तरस खा रही है उन मछलियों पे कि उनको खाना नहीं मिल रहा ऐसी बात नहीं है बल्कि ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत एक जानदार एक अमल को करता चला जाता है बगैर सोचे समझे तो किसी हद तक ये एक गैर इरादी फेल है जिसके अंदर जहनी तौर पर कोई सूरत जो है वो शामिल नहीं कोई कोई जहनी तौर पर सोच या समझ का अमल जो है वो शामिल नहीं है जैसे इंसान के जज्बात होते हैं या एहसास होते हैं कि जानवर उन जज्बात और एहसास में से गुजरता नहीं है फिर अगर हम किसी तौर से और ये भी इटनबर्गन ने इस बात को तजर्बों के ज़ोर से साबित किया था कि अगर हम किसी तरह से किसी जानवर के दिमाग के अंदर पहुंच जाए जो न्यूरोजियोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं कि बाल जैसे बारीक तारें लेकर खोपड़ी में छोटी सी मोरी करके इन तारों को अंदर डाल के दिमाग के अंदर उनके साथ बिजली बैटरी लगा के तो छोटी सी करंट जो है वो दिमाग के अंदर भेजते हैं जब दिमाग के अंदर ये करंट जाती है तो जो दिमाग के खलिये जैसे न्यूरॉन्स हैं उनके जो सर्किट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो जानदार वही अमल करता है जो कि उसको करना है उस सर्किट की वजह से क्योंकि उसके अंदर एक प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है सो so, अगर प्रोग्राम के अंदर यह लिखा हुआ है कि मां की जबिलत को ब्रूए कार लाते हुए मछलियों को खाना खिलाओ तो अगर वो सर्किट को एक्टिवेट कर दिया तो कार्डिनल जो है वो मछलियों को खाना खिलाएगा या खिलाएगी फिर हमें ये तफरीक या ये ये फर्क करना पड़ेगा कि जबिलत जो है वो गैर इरादी अफाल या रिफ्लेक्स एक्शन से मुख्तलिफ है एक जैसा नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो अमूमन रेफरल नर्व्स की वजह से होता है जो हमारे आ, जहन का हिस्सा हैं और हमारे जहन में आ, हमारे दिमाग का हिस्सा हैं और सेंट्रल और और प्रेफरल नर्वस जो दो हिस्से हैं जहन के ये सिर्फ प्रेफरल नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे रिफ्लेक्स एक्शन जो हैं वो पूरे हो पाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन अमूमन बहुत सिंपल या सादा होते हैं इसके अंदर यूजली बहुत थोड़े से असबीए या न्यूरॉन्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं और एक रदे अमल किसी भी स्टिमुलस की वजह से पैदा हो जाता है इसकी इसकी नस्बत जो जबिलतें हैं वो नहायत पेचीदा रदे अमल हैं और इनको करने के लिए बेशुमार सेंट्रल नर्वस सिस्टम और प्रेफ्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स जो हैं वो इस्तेमाल में आती हैं सो ये गैर आरदी अफ़ल की नस्बत बेश बेतहाशा ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा और डिफ़िकल्टे अंडरस्टैंड करने में नस्बता इसके कि हम रिफ्लैक्स एक्शन को समझ सकें ये तस्वीर जो आप स्लाइड में देख रहे हैं ये एक बीवर या लुद्धर की है आपने यकीन ज़ू में हमारे चिड़ियाघर में लुद्धर देखा होगा बड़ा ज़बरदस्त जानवर है पानी में खूब कलाबाजियाँ वगैरह लगाता है अगर आप इसको जंगल में देखें या जंगल में का मताल करें तो आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े डैम तैयार करता है या अमूमन नदियों के ऊपर और नालों के ऊपर खासकर हमारे शुमाली इलाकों में या जहां पर भी लड़ पाए जाते हैं वहां पर ये छोटे छोटे दरख्तों को काट कर पानी में गिरा देता है और गिराने के बाद एक बड़ा सारा ढांचा एक एक नेस्ट एक घोंसला तैयार करता है जो पानी के अंदर होता है और इस घोंसले को वो इस तरह से बनाता है कि पहले लकड़ियां पानी में गिराता है और पानी में उन लकड़ियों को उठाता 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 फंसाता है पत्थरों के अंदर ताकि लकड़ियां बह ना जाए और फिर फंसाता फंसाता ऊपर लाता है और उसको खुशकी के अंदर आ, यानी पानी की सतह से ऊंचा कर लेता है और फिर उसके ऊपर एक और पूरा ढांचा लकड़ियों का और शाखों का तैयार करता है और जब ये घोंसला तैयार हो जाता है तो फिर इसके अंदर बच्चे देता और है और बच्चे जो हैं उसके वो उस सूखे इलाके में जो पानी की सतह से ऊंचा होते हैं उसमें आराम से रहते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि इस सारे अमल में इस सारा घोंसला बनाने के अमल में रिफ्लेक्सेस नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटेड मसल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं बेशुमार कॉम्प्लिकेटेड पूरा आर्किटेक्चरल काम जो है वो चला चला जाता है और ये सारे का सारा जबिलत के जोर पे होता है सो तो, सो तो मैंने आपके सामने जबिलत की बुनियादी सूरत जो है उसको पेश कर दिया और उन चार नुकात के बारे में बात कर दी जिससे हम जबिलत को आइडेंटिफाई करते हैं या उसके बारे में ज़्यादा समझ हासिल करते हैं और ये ज्यादा सी ज़्यादा बात जो है वो निकोलस बर्गन ने हमको सिखाई जबिलत जो है क्योंकि कुदरत के तौर पर या कुदरती तौर पर हमारे हमारे अंदर आ, हमारे जानवरों में मौजूद होता है और अब हम समझते हैं कुछ कुछ जबिलतें ऐसी हैं जो इंसानों में भी मौजूद होती हैं जिनका भी हम जिक्र करेंगे थोड़ी देर में ये ये जबिलतें जो हैं ये इनके लिए एक مخصوص स्टिम्यूलस की ज़रूरत होती है यानी एक एक, 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 एक स्टिमुलस अगर हो जैसे टेम्परेचर बदल जाए तो बगले जो हैं वो शुमाल से उड़कर कर जुनूब की तरफ चले जाएंगे। अगर बाहर का मौसम आ गया है और आ, जो लुदर है उस आ, आ, वो बच्चे देने वाली हो गई है तो वो अपने शोहर लुदर से कहेगी कि चलो भाई घोंसला तैयार करो क्योंकि बच्चे आने वाले हैं अगर अगर आ, अगर अगर जो 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 बतख है वो अंडे से से रही है और कोई अंडा बाहर चला गया तो वो उसको खींच के तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स हैं जो कि जो कि बुनियाद बनते हैं अब इसके लिए मखसूस स्टम्यूला या मखसूस ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी या इवेंट्स की ज़रूरत होगी जिनकी वजह से ये रिस्पॉन्स जो हैं वो पैदा होते हैं उन्नीस में तरा सा उन्नीस के दरमियान और 1970 तक कॉनरेड लॉरेंस जिनका ताल्लुक जर्मनी से था उन्होंने एक अजीब गरीब बात नोटिस की और वो ये की कि ये जो जबिलतें हैं और जिनके लिए मखसूस स्टेम्यूलस की जरूरत होती है कई कई दफ़ा इस मखसूस स्टेम्यूलस को हम किसी और गैर न्यूट्रल स्टेम्यूलस से रिप्लेस कर सकते हैं और जो जो जानदार है वह उस स्टम्यूलस को फिर असली स्टम्यूलस मान लेता है मैं अपनी बात और ज़रा आपको समझाता हूँ मसला तजर्बात में से उन्होंने ये तजर्बा किया कि वो बतख के अंडों के पास बैठ गए जब वो बिल्कुल बच्चे जो थे अंडों में से निकलने वाले थे यानी यूं समझ लें कि इक्कीस दिन के कि इंक्यूबेशन के प्रोसेस के बाद या सेने के बाद उन्होंने मामा डक को हटा दिया और खुद जाके वहां बैठ गए और उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी और जैसे ही वो बच्चे अंडों में से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां तो कॉनरेड लोरेंस दाढ़ी के अंदर बैठा हुआ है और मामा डक है नहीं तो बच्चे समझे हमारी मां जो है वो यही है कॉनरेड लोरेंस तो जब बच्चे बड़े हुए बत्तख के बच्चे बड़े हुए तो वो कॉनरेड लोरेंस को ही अपनी मां जो है वो तस्वर करते थे जहां वो जाता था वो उसके साथ साथ जाते थे जहां वो रहता था वहां हती के वो जिस अपने बेडरूम में जब सोता था तो बत्तख के बच्चे जो बड़े हो गए थे अब वो उसके पास आके बैठ जाते थे और उसके साथ रहते थे इस अमल को हम फलीअल इंस्टिंगट बिहेवियर कहते हैं यानी ऐसा बिहेवियर जो माँ को फॉलो करने का है हर बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ एक अटैचमेंट डेवलप करता है उसके साथ वो बड़ा उसकी गहरी वाबस्ती जो है वो पैदा हो जाती है आप ये सब समझते हैं सब लोग जानते हैं कि बच्चे की माँ के साथ गहरी वी होती है क्योंकि माँ जो है वो बच्चे के बहुत करीब करीब रहती है ना सिर्फ उसको वो खाना खिलाती है दूध पिलाती है बल्कि उसको अपने जिसम के साथ लगा के रखती है और जितना वो अपने जिसम के करीब करीब रखती है उसके अंदर वो अटैचमेंट्स जो है वो बढ़ती चली जाती है क्योंकि वो बतख के बच्चे कॉन्ड लोरेंस के पास थे और और कॉन्ड लॉरेंस ने उसको उन तमाम बच्चों को मौका फ्राहम किया कि वो उसके जिसम के करीब करीब रहें तो वो तमाम बच्चे भी उनकी जबिलत में तब्दीली आ गई माँ की बजाय एक इंसान ने ले ली जिसको हम मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्टिंग बिहेवियर कहते हैं या दूसरे लफ्जों में इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इम का जैसे एक और stimulus imprint हो गया हो उनके दिमाग के ऊपर माँ की बजाय का था इसके साथ साथ बड़ी हैरानी की बात जो खास तौर पे ऑब्जर्वेशन में आई और आप ये अजीब सा नुक्ता जिसको आप नोट करेंगे वो ये कि जिस वक्त ये बत्तख के बच्चे बड़े हुए तो हैरान कन तौर पर ये अपने यानी जिनसी तौर पर ये इंसानों के साथ ताल्लुक कायम करने के खां थे बतुों के साथ नहीं तो इससे ये जाहिर होता है कि जब ये इंस्टिंक्ट चेंज हुआ तो उसने ब्रेन में उसने हम दिमागों में बत के दिमागों में ऐसी तब्दीली लाई कि वो अपने अपने आप को इंसान जैसा तसवर करते थे और अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए वो बतों की बजाय इंसानों को मुंतखब करने का सोचते थे कि अगर ये इंसान मुझे मिल जाए तो इससे मेरी अफजाइश जो है वो नस्ल की हो सकती है सो so, ये सेक्शुल इम्प्रिंटिंग है जिसके बारे में कॉन्ड लोरेंस ने बड़ी डिटेल के साथ अपनी किताबों और मकाले में लिखा ये दोनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर इस बात की निशानदही करती हैं कि कॉन्ड लोरेंस चला जा रहा है और उसके पीछे बतुों की एक लाइन है जो कि उसने इमप्रिंटिंग के ज़रिए से उनकी जबिलत को तब्दील किया था इसके साथ साथ एक और बत बड़ी है जो उसके साथ बहुत ज्यादा और अटैच है उसके बालों को नोच रही है और वो ये समझती है कि ये मोहब्बत का एक इजहार है जो कि किया जा रहा है लेकिन याद रहे कि ये सारे का सारा अमल जो है जो बिल्लत की बुनियाद पर बेस्ड है ना कि कोई ऐसी अफेक्टिव या ऐसी कॉन्शियस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो जो कि हम आमतौर पर इंसानों के साथ इसको मनसूब करते हैं इसके साथ साथ आ, ये सवाल कि क्या इंसानों के अंदर जबिलत जो है वो मौजूद है या नहीं एक बहुत बड़ी बहस रही है बीसवीं सदी के शुरू से लेकर तकरीबन उन्नीस सौ तीस तक और जबिलत की कुछ तारीफें और कुछ मिसालें जो बीसवीं सदी के शुरू में पेश की गई उनको बाद की रिसर्च ने रद्द कर दिया मसल एक ज़माने में यह तसवर किया जाता है कि जो जो भूख की महर्रक है या भूख का मुहरक जो है वो भी जबिलत है हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमारे अंदर एक महरक मौजूद है जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं लेकिन तजर्बात ने इस बात को जाहिर किया और इस इस, इस बात की निशानदही की दरअसल ये महरकत हैं जबिलतें नहीं हैं तो कुछ देर तक खासतौर पर उन्नीस सौ पचास से लेकर उन्नीस सौ सत्तर तक या उसके बाद भी जोर जो था वो जबिलतों के बारे में कम हो गया और जब कॉन्ड लोरेंस निकोलस टनबर्गन और वॉन फ्राई जब अपनी तजर्बात को लेकर आए तो एक अक्सर नौ जबिलत के अंदर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो दोबारा से डेवलप हुआ और उसके बारे में लोगों ने और ज्यादा तहकीक जो है वो करनी शुरू की उसके बाद एक और जर्मन माहिर एबीफ जो थे उन्होंने और बहुत सारी इसके ऊपर तजर्बात किए और ये बात साबित करने की कोशिश की कि यकीन इंसानों के अंदर भी जबिलतें जो हैं वो मौजूद हैं वो मुहरक से मुख्तलिफ हैं मसल रोना मुस्कराना तेवर बदलने अपने या तेवर दिखाने किसी को गले लगाना कडल करना या किसी को चूमना ये तमाम के तमाम जो हैं ये जबिली अफ़ल हैं हंसने का अमल रोने का अमल मुस्कराने का अमल जो है वो एक ख़ास प्रोग्राम से है और दिमाग में वो प्रोग्राम पहले से तैयार होता है और मौजूद होता है और उसको जिस वक्त वो प्रोग्राम एक, एक्टिवेट होता है वो 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 असरअंदाज होता है आप आप किसी भी इंसान को देख लें यह आपके मुशाहदे में भी होगा कि तमाम लोग जिस किसी को भी आप जानते हो आपके दोस्तों में भी वो अगर जब हंसते हैं तो एक ही अंदाज से हंसते हैं ये नहीं होता कि वो ए, एक दफ़ा एक तरह से हंसें दूसरी दफ़ा दूसरी तरह से हंसें तीसरी तरह, नहीं हंसने का अंदाज़ जो है वो एक ही है ऐसे मालूम होता है कि दिमाग में एक प्रोग्राम है जैसे ही वो एक्टिवेट होता है प्रोग्राम हंसने का अमल बिल्कुल बैन ही वैसे होता है चाहे उनको आप लतीफ़ा सुना लें तो वो एक तरह से हंसते हैं अगर कोई उनको ऐसी बात नजर आई है जिससे जिस पे हंसी आ सकती है तो भी वो वैसे ही हंसते हैं हंसने के अमल में कोई ख़ास फर्क नहीं आता इसी तरह रोने का अंदाज़ जो है वो भी एक जैसा ही है तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये बड़ी मशहूर ज़माना स्लाइड है और ये एक ऐसी स्लाइड है जिसके अंदर एक माँ जो है अपने छोटे बच्चे को देख खुशी का इजहार कर रही है मुस्करा रही है और जब वो मुस्कराती है तो उसकी ये जो ऊपर वाली भवें हैं खासतौर पे बाएं तरफ की भवें जो हैं ये ऊपर को उठ जाती हैं जैसे हम बच्चे को देखते हैं हम कहते हैं कितना प्यारा बच्चा तो हमारी भवें जो है वो ऊपर को उठ जाती हैं तो एबेफेल्ट ने जो जर्मन साइंसदान हैं इन्होंने बेशुमार कल्चर्स मुआरों में सिर्फ इस आई ब्रश को स्टडी किया कि आया औरतें बच्चों को देखकर मोहब्बत में आकर क्या इसको ऊपर की तरफ मूव करती हैं कि नहीं और उनके तजर्बों ने और उनके मुशाहदात ने इस बात को साबित किया कि बेतहाशा कल्चर्स में ये ये रिस्पांस जो है औरतों में बच्चों को देख कर कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं ये रिस्पांस ऑटोमेटिकली निकलता है तो इससे ये साबित होता है कि ये मुस्कराहट ये ख़ास किस्म की मुस्कराहट जो है इस ये जबिलत के ज़ेर असर जो है वो वो है और ना किसी भी कॉन्शस रिस्पॉन्स uh, के नीचे जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे अब मैंने आपको इंसानों के बारे में ये छुट थोड़ी सी जबिलतों के बारे में बता दिया इस ख्याल के पेश नज़र कि हम इसको ले कर चलेंगे आगे की तरफ और बात करेंगे ख़ास कर बच्चों की और, और माओ की या केयर गिवर्स की जो उनकी निगहदाश्त करते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में उनके रवाबत के बारे में तो उसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन यहाँ पर हम एक बात करते चलें वो ये बात है कि ये क्यों कर है ऐसा क्यों है के जो बतख के बच्चे हैं वो कॉन्ड लोरेंस को इम्प्रिंट कर जाए ये, ये इम्प्रिंटिंग का अमल जो है वो क्यों पैदा होता है तजर्बों ने इस बात को साबित किया कि अगर अगर तो ये अमल जो है उस वक्त हो जिस वक्त बच्चा जो है या चूजा जो है वो अंडे में से ताजा ताज़ा निकला हो और कॉन्ड लोरेंस वहाँ मौजूद था और वह अपना सर हिलाए और उनसे बातें करे जर्मन जबान में तो वो बच्चे जो थे वो इम्प्रिंट कर जाते थे लेकिन अगर कॉन्ड लोरेंस एक हफ्ते के बाद आता था और बच्चे जो थे वो अपने अंडों से बाहर आ जाते थे तो कोई ऐसी इम्प्रिंटिंग नहीं होती थी तो इस बात ने इस इस चीज को जाहिर किया कि एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है एक छोटी सी एक विंडो है एक, एक एक मौका है जिसके दौरान इम्प्रिंटिंग जो है वो मुमकिन है अगर वो विंडो गुजर जाए अगर वो टाइम गुजर जाए तो फिर वो विंडो मौजूद नहीं रहती और और इम्प्रिंटिंग का अमल जो है वो नहीं हो पाता ये जानवरों में तो क्रिटिकल विंडो कहलाती है या क्रिटिकल पीरियड कहलाती है मगर इंसानों में ये क्रिटिकल पीरियड जो है इस तरह से नहीं है जितना सख्ती के साथ ये उन जानवरों में है जैसे चिकन्स हैं जैसे मुर्गियां हैं या जैसे या बतखें हैं उन ऐसा नहीं है बल्कि इंसानों के अंदर इसको हम सेंसिटिव पीरियड कहते हैं और सेंसिटिव पीरियड जो है इतना क्रिटिकल नहीं है इसके अंदर लचक जो है वो मौजूद है आ, कई दफ़ा अगर उस सेंसिटिव पीरियड को आप एक्सटेंड कर दें तो भी वो वाक्यात पैदा किए जा सकते हैं जो कि क्रिटिकल पीरियड जो एक खास मखसूस मदत के लिए उसमें किए जाते हैं तो इंसानों के जमन में ये सेंसिटिव पीरियड जो है किस तरह से उस को ब उस उस बॉन्ड को तैयार करता है जिसके अंदर बच्चा जो है वो अपनी मां के साथ यहाँ अपनी अपने निगहदाश्त करने वाले के साथ एक एक रिश्ता एक रवाबत जो है उसको कायम करता है तो बेशुमार तजर्बा करने वालों ने इस बात को दिखाया या शो किया है कि दरअसल बच्चा जो है वो अपनी हरकत और अपनी सकनात से ऐसे अफाल सरजद करता है जिनको उर्फ्याम में हम रिलीज़र्स कहते हैं यानी वो कुछ रिलीज़ करता है अपने आप में से कुछ छोड़ता है जिसकी वजह से जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो उसको कैप्चर करते हैं और उसको फिर तवज्जो दे, देते हैं वो रिलीजर्स बड़े ध्यान से इस्तेमाल करता है अपनी अपनी जबीली ताकतों को मद्दनज़र रखते हुए ताकि वो उन बॉन्ड्स को बड़ी गहराई के साथ इस्तेमाल कर सके अपने अटैचमेंट्स को डेवलप करने के लिए ये रिलीजर्स जो हैं जैसे खास तरह से मुस्कराना छोटा बच्चा पलंग पे लेटा हुआ पंगूड़े में लेटा हुआ एक खास तरह से मुस्कराता है तो किसी का भी दिल जो करीब बड़ा गुजर रहा होता है वो कहता हुआ वो कितना प्यारा बच्चा मुस्करा रहा है तो वो उसको गोद में उठा लेता है तो कुछ ही जल्द बच्चा जो है इस काबिल हो जाता है ये समझ रखता है कि अगर मैं ये रिलीजर इस्तेमाल करूँ तो मैं इस बड़े की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा लूंगा और उसके साथ अटैचमेंट या बॉन्ड जो है उसको तैयार करो खासकर माँ के साथ क्योंकि माँ के साथ उसका गहरा ताल्लुक होता है इसलिए सबसे ज़्यादा मुस्कराता वो माँ के लिए है जब वो डिस्ट्रेस में या मुश्किल में होता है तो चीखता भी माँ के लिए ताकि वो माँ जो है उसको तोज्जो जो है वो दे सके इसके नतीजे में यह होता है कि माँ और बच्चे के दरमियान एक बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो पैदा हो जाता है और अगर ये ताल्लुक बचपन में ही मजबूती से कायम हो जाए तो उस बच्चे की जो बालिग ज़िंदगी है उसके अंदर उसके ऊपर मुस्बत असर पैदा होते हैं क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी जो है अपनी ज़िंदगी के शुरू में मिली हुई होती है और अगर खुदा न खास्ता किसी तौर से माँ और बच्चे के दरमियान ये अटैचमेंट जो है किसी तौर से ठीक तरह से ना बन सके अभी हम इसका जिक्र करेंगे कि जब ठीक नहीं बनती तो क्या होता है तो वो जब बच्चा बालग हो जाता है तो उसको मुख्तलिफ किस्म की नफसियाती और ज़हनी मुश्किल जो हैं होती हैं ताकि वो नफ्सिया तौर पर या ज़हनी तौर पर बीमार भी हो सकता है बच्चे का ये सेंसटव पीरियड जो है ये ज़रूरी है इसको समझना क्योंकि ये ये सेंसटव पीरियड ख़ास तौर पर इंसानों में कदरे लंबा है जानवरों में अमूमा वे पीरियड जो है तकरीबन चौबीस घंटे के लिए होता है चौबीस घंटे के अंदर अंदर अगर आपने इमप्रिंटिंग कर ली तो ठीक रहता है और जो जानवर है वो इम्प्रिंट हो जाता है लेकिन अगर इंसानों के अंदर ये हम देखें तो ये अमल जो है ये ये देर तक रहता है और 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 जो अटैचमेंट का बॉन्ड है वो देर तक आ, आ, सेंसिटिव पीरियड की वजह से बनाया जा सकता है या इस्टबलिश किया जा सकता है अगर आप इस स्लाइड में देखें तो एक छोटा सा बच्चा है जिसको गालिबा माँ और बाप ने दोनों ने पकड़ा हुआ है और वो गालिबा ढाई तीन साल का है तो ये एक ऐसी उम्र है जिसके अंदर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बहुत गहरी अटैचमेंट या बॉन्डेज जो है वो तैयार कर लेते हैं और इसके अंदर वो देर तक इस रिलेशनशिप को लेकर चल सकते हैं इस जमन में कुछ तजर्बात खास तौर पर नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में बंदरों में मेंरी हार्लो ने किए यूनिवर्सिटी ऑफ वस्कानसन मेडिसन में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसन वस्कानसन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमरीका में जहाँ पर हार्लो जो थे वो प्राइमेट सेंटर के डायरेक्टर थे और उन्होंने 1960 में 1950, 1960, 1970 में कुछ ऐसे तजर्बात किए जिनकी बिना पर हमको ये समझ में बात आई कि ये जो रिश्ता है माँ का बच्चे के साथ कम से कम जानवरों में किस तरह से ठहरता है और वो कौन कौन से ऐसे अनासर हैं कि जिनकी वजह से हम ये जानते हैं कि ये 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 रिश्ता जो है वो कायम हो गया है तो उन्होंने जो तजर्बात किए वो मशहूर ज़माना है मैं अपनी स्लाइड में आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूँ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बंदर के बच्चे लिए और उनको उनकी माओ से अलहदा कर लिया फिर उनको उन्होंने दो माएँ फराहम की जिन्हें सरोगेट मदर्स कहा जाता है जो कि जिंदा नहीं थी बल्कि एक माँ जो थी वो तार की बनी हुई थी लोहे की तार की जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है और दूसरी माँ जो थी वो तोलिए के बने हुए कपड़े से बनी हुई थी और ये दोनों गुड़ियों जैसी डॉल्स थी और जो तार की बनी हुई मां थी उसके अंदर उन्होंने दूध की बोतल भी लगा दी कि वो दूध जो है उससे पी सकता है लेकिन जो तौलिए की बनी हुई तौलिए के कपड़े की बनी हुई जो मां थी उसके अंदर दूध की बोतल जो थी वो मौजूद नहीं थी तो वो जो बंदर का छोटा सा बच्चा था क्योंकि उसको माँ की ममता और माँ की गर्मी जो थी सोजिश हिद्दत नहीं मिली हुई थी वो झट से जाकर उन दोनों गुड़ियों के पास चला गया और उसने कहा कि ये शायद मां जैसी लग रही हैं तो इनको मैं इनके पास पास रहूं तो जब उसने वो तार वाली मां के साथ जफ्फी डाली तो वो तारें उसको जिस्म को ठंडी लगी और उनमें वो जगह थी तो उसको लुत्फ ना आया तो वो फौरन छलांग मार के उसने वो जो तौलिए की बनी हुई माँ थी उससे जब जफ्फी डाली तो जिस्म को बड़ा लुत्फ आया उसकी गिरफ्त अच्छी थी उसमें नरमाहट थी और कुछ कुछ गर्माहट थी तो उसके साथ लिपटा रहा हैरान कन बात यह कि चूंकि वो दोनों माएँ एक ही पिंजरे में मौजूद थीं वो बंदर का बच्चा दूध तो ताल वाली माँ से पिया करता था मगर लिपटा वो तौलिये वाले कपड़े वाली माँ के साथ था हमेशा और उसकी अटैचमेंट उसके साथ बेतहाशा थी अब हैरी हार्लो ने क्या करना शुरू किया कि वो अजीब व गरीब चीज़ें उस पिंजरे में डालता था ये देखने के लिए कि वो जो बंदर है वो क्या करता है तो शुरू में तो पिंजरा खाली था वो बंदर कुछ देर तो माँ के साथ अपनी माँ के साथ लिपटा रहा तौलिए वाली माँ के साथ फिर उसने अपने उस पिंजरे को उसका जायजा लेना शुरू किया बाहर निकलाया उसने कहा देखूँ बाहर क्या हो रहा है जब भी कोई उसको खतरनाक आवाज़ या कोई ऐसी आती थी वो झट से जाके भाग के अपनी माँ के साथ लिपट जाता था क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे को डर लगता है तो पहली चीज जो वो करता है वो यही करता है कि वो जाता है और जाके अपनी माँ से लिपट हती हारलो ने कागज का टुकड़ा लेके उसको बिल्कुल क्रम्पल करके उसने जिस वक्त उसके पिंजरे में डाला तो वो डर गया और देख देखिए वो नई चीज आ गई पिंजरे में उसने पहले कभी कागज देखा नहीं था तो वो झट से अपनी माँ के साथ लिपट गया कुछ देर वो उसके साथ लिपटा रहा फिर उसने देखा कागज हिल हिलविल नहीं रहा फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और उसको हाथ लगा के देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है ये तो शायद कोई ऐसी चीज है जो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती तो इसलिए उसकी एक्सप्लोरेशन बढ़ गई लेकिन दौड़ के वो उसी माँ के पास जाता था तो अटैचमेंट जो थी माँ के साथ वो एक खास तरज की तैयार हो गई और सबसे बड़ी बात जो हरी हार्लो ने बताई वो ये थी कि माँ और बच्चे के दरमियान जो रिश्ता है उसका ताल्लुक खुराक से नहीं है दूध पीने से नहीं है अगर माँ जो है वो सिर्फ आप ये समझते हैं कि दूध पिलाती है या खाना खिलाती है और उस रिश्ते को उसबार कर लेती है तो ऐसी बात नहीं है माँ इससे बहुत ज़्यादा कुछ करती है माँ बच्चे को अपने इर्द गिर्द लपेट ले, 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 ले लेती है वो उसको अपनी हिद्दत देती है वो उसको चूमती है इन तमाम चीजों से बच्चे और मां के दरम्यान एक खास किस्म का बॉन्ड जो है वो तैयार हो जाता है जिसम के साथ लगने का अमल जो है वो उस, उस अटैचमेंट को उस बॉन्डेज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कर देता है सो ये बात जो है आ, आ, सामने आ गई और फैक्ट इस, इस चीज का जिक्र कॉन्ड लोरेंस ने अपने लेक्चर्स में पहले भी किया है अब एक अजीब वरीब बात थी कि ये तजर्बा ख़ासतौर पर कॉन्ड लोरेंस के और हैरी हार्लो के ये तमाम तजर्बात जो थे जानवरों में किए गए थे जब ये तजुर्बात हो रहे थे उस जमाने में एक और माहरे माहरेतफ़ाल उन्होंने बच्चों के ऊपर ये देखना शुरू किया कि वो बच्चे जो हैं इंसानी बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपनी माओं के साथ अटैच होते हैं तो कॉनरेड कॉनरेड लोरेंस के बताए हुए एथोलॉजी के असूलों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बच्चों में भी देखा कि यकीन बच्चे भी वही अमल करते हैं जो कि जानवर करते हैं ख़ास तौर पे अपने इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स को पेश करते हैं बड़ों के सामने ताकि वो अपने और अपने माँ के दरमियान या अपने और अपने निगदाश्त ने, देने वाले शख्स के दरमियान एक, bondage, एक एक बॉन्डेज रिश्ता जो है उसको कायम कर लें। की रिसर्च के बाद बहुत सारा काम हुआ 1950 में और 1960 में उसके बाद एंजवर्थ, एक और दान उन्होंने इस चीज को आगे लेके चले और उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि अटैचमेंट जो लोग बच्चों की और माओ के दरमियान हो जाती है उसकी कैसी सूरतें या कितनी सूरतें और आ, बेशुमार तजर्बात करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि बुनियादी तौर पर अटैचमेंट माओ की बच्चों के दरमियान या गिवर्स की बच्चों के दरमियान जो है वो तीन किस्म की होती हैं एक अटैचमेंट जो होती है उसको उन्होंने नाम दिया सिक्योरली अटैच अच्छा ये एक मुश्किल सी बात है कि मसलन अगर हम ऐसे तजर्बे जो अटैचमेंट के साथ जिनका ताल्लुक है वो करना चाहें जानवरों के अंदर तो हम कर सकते हैं हम चीज़ों को मेनिपुलेट कर सकते हैं जैसे हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड में देखा कि चीज़ों को मेनिपुलेट करने से हम किसी नतीजे में पहुंच जाते हैं और ये तजर्बे जो है हमें हमारी निशानदही हमारी मदद करते हैं उन अनासर को जांचने के लिए जिनकी वजह से हम आ, आ, समझ सकते हैं कि कौन सा कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है एक किसी भी खास डिपेंडेंट वेरिएबल को एक तो ताल्लुक जो माओ और बच्चों का था वो सिक्योरली अटैचड फॉर्म जो किस्म थी वो एंजवर्थ ने उसको डिटरमिन किया ये यूँ समझ लें कि बच्चा जो है वो बहुत महफूज महसूस करता है जब उसकी माँ उसके पास होती है तो इस बात को टेस्ट करने के लिए कि वो वाकई महफूज महसूस करता है अपनी माँ की प्रेजेंस को इसका आसान तजर्बा ये है कि माँ को उस कमरे से निकाल दिया जाए और बच्चे के फिर रिस्पॉन्स को या फाल को या जो भी वो करता है उसको देखा जाए तो जब ऐसा किया गया और माँ को निकाल दिया गया तो बच्चा जो था वो रोने लग पड़ा वो जनाब वो हब्बसियाँ ले रहा था और छोटे छोटे आंसू भी उसकी आंखों में आ गए थे क्योंकि वो तश्वीश में मुबतला हो गया कि उसकी माँ जो है वो कहाँ चली गई चूंकि ये सिक्योरली अटैचड बच्चा था अपनी माँ के साथ जैसी माँ दाखिल कमरे में हुई तो फौरन उसकी बाछें खिल गईं और वो मुस्कराने लगा और उसने कहा वो जिसके साथ मैं प्यार या बॉन्ड रखता हूँ वो वापस आ गई तो वो फिर बढ़ के उसके साथ लपक के उसके साथ गले लग गया और उसको कोई चीज़ जो है महसूस जो है थी वो ना होनी यानी जो तकलीफ या तशवीश थी वो जाती रही इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इन सिक्योरली थे इनसिक्योर अटैचमेंट का मतलब ये है कि वो अपने माँ के साथ या अपने केयरगिवर के साथ रिलेशनशिप या अटैचमेंट तो रखते हैं मगर उसमें تحفظ का एहसास जो है वह नहीं होता वो ये नहीं समझते कि ये हमारा जो केयर गिवर है ये इसकी वजह से हमें तहफ़ जो है वो मुहैया है अमूमन ऐसी सूरतों में जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को वो मुकम्मल तौर पर वैसी तोज्जो नहीं दे पाते जैसे देनी चाहिए उन लोगों को ताकि ये तहफ़ के के जो की जो अटैचमेंट है जो उनमें पैदा हो सके जब ऐसे बच्चों की माँओं को कमरे से बाहर निकाल दिया गया तो उनको कोई तशवीश ना हुई क्योंकि उनके लिए माँ का होना या ना होना एक बराबर था उन्होंने कहा ठीक है अभी कहीं चली गई हैं अभी आ जाएंगी कोई फर्क नहीं पड़ता तो अटैचमेंट जो था उसमें कोई तहफ़ का एहसास नहीं था और तीसरा जो था वो एक ऐसा अटैचमेंट का रिलेशनशिप था जिसके अंदर बेशुमार तशवीश और एम्बेवलेंस जो थी वो शामिल थी मसलन ये बच्चे जो थे जिस माँ चली गई तो उसी तरह ही पटाने लगे और तशवीश का शिकार हो गए जैसे पहले ग्रोह के बच्चे थे और वो रोने लग पड़े कि हमारी माँ जो है वो कहां चली गई लेकिन जिस वक्त वो माँ वापस कमरे में आ गई तो बजाय इसके कि मुस्कुरा अपनी माँ का की खुशा, कहते और कहते कि कि आ गई गई हो हो वापस वो उल्टा नाराज होना शुरू हो कि कि तुम कहां चली गई थी तो ऐसे बच्चे जो थे वो एंग्जाइटी रिलेशनशिप या एंग्जाइटी अटैचमेंट का सबब बने या उनके माँ के दरमियान एंग्जाइटी अटैचमेंट का रिलेशनशिप जो है वो तैयार हो गया तो इस सूरत से जो हमने आज सारी अभी तक की बहस की उसमें सिर्फ एक बात जिसको मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा वो ये है कि आपने आपने देखा कि हमने जबिलत की बात की और जबिलत की बुनियाद पर हमने क्रिटिकल और सेंसिटिव पीरियड्स की बात की कि जिसके अंदर अटैचमेंट जो है वो बन सकती है और फिर हमने अटैचमेंट की तीन तीन मुख्तलफ़ फॉर्म्स के बारे में बात की जिनके अंदर हम आ, आसानी के साथ देख सकते हैं कि यह अटैचमेंट जो है किस तरह से बच्चे और माँ या बच्चे या नग्दाश्त देने वाले के दरमियान जो है कायम की जा सकती है और इसके अंदर क्या क्या सूरतें जो हैं वो मुसबत हो सकती हैं और क्या क्या सूरतें जो हैं वो मनफी हो सकती हैं और यकीन इस अटैचमेंट का असर जो है बालग ज़िंदगी पर जाकर पड़ता है इंसान जो है इस वक्त बालग हो जाता है तो जो अगर उसकी अटैचमेंट बचपन के अंदर महफूज रही हो तो उसकी आ, वो बाहर भी बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को को डेवेलप कर सकता है और बना सकता है और उसको जहनी और नफसियाती मुश्किल नहीं होती नस्बता इसके कि अगर उसकी अटैचमेंट जो है वो गैर महफूज तरीके से तैयार हो अब यहाँ हम एक छोटा सा डाइवर्जन लेंगे गो के डाइवर्जन नहीं है मगर आ, हम एक और रुख की तरफ बात करेंगे जिसका ताल्लुक एथोलॉजी के साथ है मगर इसका परस्पेक्टिव जो है वो एवोल्यूशनरी थीरी से बना हुआ है आपको जैसे पता है कि डार्विन ने 19वीं सदी के आखिर में एक नज़रिया पेश किया कि तमाम कायनात, तमाम कुर्र उस पर रहने वाले जितने जानवर हैं आपस में किसी ना किसी तरह से इनके दरमियान रिश्ता जो है मौजूद है सो वो तमाम जानदार जो बड़े सादा किस्म के जैसे केंचुआ होता है या गंडोया होता है उसका ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी तरह से जाकर गुलहरी से मिल जाता है और गुलरी जो है वो मिलती मिलती बंदरों से मिल जाती है और बंदर जो है वो किसी तरह से कत्ते कराते इंसानों से मिल जाते तो ये एक एक कड़ी है ये एक ये एक ऐसा दरख्त है जिसका तना जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से शुरू होकर इंसान तक पहुंचा है जो नहायत कॉम्प्लिकेटेड नहायत पेचीदा जानदार है जो कि इस करजा अर्ज पर रहता है और गालिबा हमारा ये ख्याल है शायद महतात ख्याल है कि ये इस पूरी कायन में एक इंसान ही है जो कि इतना फिरासत रखता है कि वो इस तरह के आ, काम कर सकता है जैसे चांद पे जाना वगैरह अब नज़रिया अरत जो है वो सिर्फ इतनी सी बात करता है कि तमाम जानवरों में तब्दीली आती है ठीक है एक तब्दीली तो वो है जो कि एक ख़ास स्पीशी में पैदा हो मसला अगर आप गलहरियों को ले लें तो एक छोटा बच्चा गुलहरी का तब्दील होते होते बालग गुलहरी जो है वो बन जाएगा ये तब्दीली तो उसकी डेवलपमेंटल तब्दीली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या, या किसी इंसान का बच्चा ले रहे हैं तो वो पहले छोटा होता है और फिर बालग हो जाता है तो ये तब्दीली तो होती ही है इसके साथ साथ जानदारों के दरमियान तब्दीलियाँ होती चली आई हैं जिसकी वजह से उनके रिश्ते जो है बने एक जानवर का दूसरे जानवर में तब्दील हो जाना एवोल्यूशन के इर्तका के बास है और उसकी उ, उस उसकी उसका सबूत ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के अगर आप जानवर ले लें तो उनमें आप बहुत सारी साख्त के एतबार से ममास को देखेंगे मसला अगर आप गुलहरी को ले लें ले और उसके पंजे को देखें तो उसमें भी पांच ही उंगलियां होंगी जैसे मेरे हाथ में है ठीक है तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि साख्त के एतबार से बेशुमार चीजें जो हैं वो ममासिल हैं जिसकी वजह है। से तो तब्दीली क्यों कर पैदा होती है ये एक बहुत बड़ा सवाल था बेशुमार लोग डार्विन से पहले भी इस इस बात की कोशिश करते रहे इस इसको समझाने के लिए कि यह तब्दीली या ये इरतका जो है वो क्यों पैदा होता है डार्विन ने चूंकि ये इसका जवाब बहुत अच्छा दिया था इसलिए उसकी थियोरी को आज माना जाता है उसने ये कहा था कि ये तब्दीली इसलिए पैदा होती है कि जानदार अपने माहौल के साथ मुताबिकत पैदा कर ले और उस मुताबिकत को पैदा करने के लिए वो नेचुरल सिलेक्शन का इस्तेमाल करता है वो नेचर की वजह से अपने आप में तब्दीली लाता है ताकि उस उसके अंदर उस नेचर के अंदर या उस माहौल के अंदर आसानी के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर ले अगर फर्ज किया जाए एक जानवर है और उसके माहौल में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई है और उसका उसका जो उसकी उसकी जो जल्द है वो इस काबिल नहीं है तो होगा ये कि कुछ अरसे के बाद उस जानवर की जल्द जो है वो मोटी हो जाएगी ताकि वो सर्दी को बर्दाश्त उसके ऊपर फर उग जाएगी और वो उस सर्दी को बर्दाश्त कर लेगी सो so, नेचर डिक्टेट करती है और जानवर उस नेचर को सिलेक्ट करता है जिसकी वजह से वो उसके साथ हम आहंग हो जाता है और उसके साथ मुताबिकत रखता है या अडेप्ट कर जाता है और उस मुताबिकत की वजह से वो उस माहौल में आसानी से अपनी ज़िंदगी जो है बसर करता है ना सिर्फ ये नेचुरल सिलेक्शन फ़ायदा देती है उस उस जानवर को उस माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करने में बल्कि सेक्शुअल सिलेक्शन भी कि वो ऐसे नस्ल पैदा करता चला जाता है जिसकी जल्द जो है वो मोटी से मोटी से मोटी होती जाए ताकि उसकी नस्ल को जिंदा रहने में सहूलत हो उस ठंड के माहौल में सो वो तमाम पोलर बेयर्स जिनकी खाल मोटी है और उसके ऊपर बहुत बड़ी उस उसकी जो जो जो, जो बाल उगे हुए हैं वो बेशुमार हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि शुरू में ऐसा नहीं था बतदरीज वक्त के गुजरने के साथ साथ ये तब्दीली जो है उस स्पीशी में रोनमा हुई है तो इस बात को हम गौर से लेते हैं और इस बात को मैं जल्दी से समराइज करता हूं और इस तरह से कि इथोलॉजी जो है जिसके बारे में हमने सारी बात की वो भी एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव का एक हिस्सा है वो ये मानती है इथोलॉजी जो है वो ये मानती है कि तमाम इंसान जो हैं अपने बिहेवियर्स को माहौल में इसलिए उजागर करते हैं कि वो माहौल के साथ किसी तरह से मुताबिकत को पैदा कर लें और अगर ये मुताबिकत पैदा हो जाती है तो उनका जिंदा रहना उस माहौल में और उनकी नस्ल का जिंदा रहना उस माहौल में मुमकिन हो जाता है तो ये प्रस्पेक्टिव जो है ह्यूमन डेवेलपमेंट में इस तरह से है कि हम हमारे बच्चे जो एक माहौल में पनप रहे हैं बढ़ रहे हैं फल फूल रहे हैं उसकी वजह यह है कि माँ बाप उनका माहौल जो है उनको सपोर्ट कर रहा है कि वो उस माहौल में फलें बढ़ें फलें फूलें और अगर वो इस तरह से कर लेते हैं तो उनका आइंदा जिंदगी में आइंदा नस्लों में जिंदा रहना उनका आसान हो जाता है वो को, वो उन उनको कोई मुश्किल नहीं होती अपनी अपने आप को मुश्किल से मुश्किल माहौल में एडजस्ट करने की अगर उनके पास सपोर्ट सिस्टम किसी तरह का मौजूद है माँ बाप मौजूद हैं भाई बहन मौजूद हैं स्कूल्स मौजूद हैं एंड सो ऑन सो सो ये एक 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 इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि उसकी बायोलॉजी को एक तरह से डिक्टेट करता है कि वो सरवाइव कर सके उस माहौल के अंदर तो आखिर में हम समराइज करेंगे आज के ऊनवान को और आज के लेक्चर को तो पहले हमने शुरू में एथोलॉजी के बारे में बात की और हमने देखा कि एथोलॉजी का नज़रिया जो है वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमको मुहैया करता है जिनकी बिना पर हम बच्चों की नशो नुमा को गौर से देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को ये समझने के लिए कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं और उनका इरतका जो है वो किस तरह से होता तो है ख़ास तौर पर वो गहरी बातें या वो प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग जिसकी बुनियाद जो है वो अंदर के असूल हैं कि जिनकी वजह से बच्चा जो है अपने माहौल के साथ मुताबिक खास ख़ास कर जबिलत के मैदान में हमने ये देखा कि किस तरह से अटैचमेंट जो है वो जल्दी से पैदा हो जाती है और अटैचमेंट के ज़िमन में हमने तीन मख्तल नज़रियात को जल्दी जल्दी से परखने की कोशिश की एक हरी हारलों का नज़रिया जो कि जानवरों के साथ था फिर बोलबी और एन्स वर्थ के नज़रियात थे जो कि अटैचमेंट की बुनियाद पर बने हुए थे ख़ासकर एन्स वर्थ का नज़रिया जिसने हमें यह बताया कि तीन किस्म के मुख्तलिफ अटैचमेंट की सूरतें जो हैं वो मौजूद होती हैं आखिर में हमने ये डिस्कस किया कि नज़रिया अरतक़ जो है या थीरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से ऐथोलॉजी के साथ रिलेटेड है और बात ख़ुद नज़री अरत जो है वो बच्चों की डिवेलपमेंट के बारे में क्या बात करती है तो हमने मुख्तरा जो नतीजा इससे अखज़ किया कि ऐथोलॉजी जो है वो एवोलूशनरी थियरी का एक सबसेट एक छोटा सा हिस्सा है एक बात दूसरी ये बात है कि एवलुशनरी थीरी ये कहती है कि तमाम जानवर जो हैं अपने माहौल के साथ मुताबिक पैदा कर रहे हैं चाहे वो अपनी ताती मुतात पैदा कर रहे हो एक स्पीशी के अंदर या इंटर स्पीशी मुताकत पैदा कर रहे हो एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी के दरमियान जैसे इरतका का प्रोसेस जो है वह चलता है तो दो किस्म की डेवलपमेंट्स के बारे में हमने ये बात भी की तो आज आज का अनवान यहाँ ख़त्म करते हैं इन शार फिर आपसे एक और अगले अनवान के साथ हाज़िर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफ